अखबार सुना रही हूँ और आप नींद चबा रही है। एक बात मुझे बताइए, कुछ देर पहले आप नींद में क्यों चल रहे थे? जीनी, तुम्हें मेरे साथ 1 साल 1 महीना और 28 दिन हो गए, हाँ? लेकिन तुम्हें अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है उसे मैं नहीं करता बल्कि कोई और करवाता है, हाँ? और ये जो नींद में चलने की बीमारी है ना, ये तुम्हारी छोटी मुसीबत की देन है। तुम्हें पता है चलते चलते मैं कहाँ पहुंच गया था? बॉस के कैबिन में भी चला गया था। दीवारों से सर मार मार के टकरा टकरा कर मेरी हड्डियां ढीली हो गई। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी प्यारी सी एंजल इतनी छोटी है कि वो इतने बड़े जादू नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती? हाँ। What do you mean, नहीं कर सकती? उसी ने तो किया है। तुम्हें पता है ये नींद में चलने की बीमारी मेरी जान भी ले सकती थी। हाँ, अगर चलते चलते मैं मेन रोड पे चले जाता और कोई गाड़ी मुझे उड़ा देती तो। क्या कर रही हो तुम? मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जाओ अपने डेस्क पे जाओ। अगर बेबी यहाँ आ गई और उसने तुम्हें देख लिया तो क्या जवाब दोगी बेबी को? जूजू, या आप भी ना जब देखो अपनी स्वीटी पाई से डरते रहते। Excuse me, मोहतरमा, मैं किसी से डरता नहीं। जाने दीजिए जूजू, जब भी स्वीटी पाई आपके सामने होती है ना तो आपकी हालत देखने लायक होती है, बस उसके आगे पीछे घूमते बेबे 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 करते हुए। Excuse me, मदाम, it's not da 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 da, it's bebe bebe whatever. अच्छा सच सच बताइए, इतना प्यार करते हैं आप उससे? मैं प्यार करता हूँ क्या? अपने काम से। और प्लीज मुझे प्यार कर, मेरा मतलब है काम करने दो। तुम भी जाओ अपना काम करो, डेस्क पे बैठो, प्लीज जाओ। जा रही हूँ मैं। ओके, और आप अपने आप को संभालिए। आजकल देख रही हूँ आप अपनी स्वीटी पाई के पीछे बेबे 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 करते हुए खींचे चले जा रहे हैं। Let me correct you again, madam. It's not da 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 da. It's bebe. जूजू, जेनी। एक बात याद रखिए, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं यहाँ से उड़न छू हो जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। बात करती है, उड़न छू हो जाऊंगी वापस नहीं आऊंगी। उड़ो तो जानू। जूजू, जेनी। ये जो बोलती वही करती है। हे भगवान, व्हाट इज दिस? एक तरफ एक्शन क्वीन, दूसरी तरफ ड्रामा क्वीन, बीच में फंसा ये कॉमेडी क्वीन। मुझे गलत बोला क्या? आई रिपीट, एक तरफ ये एक्शन क्वीन, दूसरी तरफ ये ड्रामा क्वीन, बीच में फंसा ये मासूम। प्लीज मेरी रक्षा करना। कुछ बोलना नहीं दादा, चुपचाप बैठो। हाँ क्या है? सुमन जी, लवली सिंह रिपोर्टिंग। हाय जॉनी। हाय से काम नहीं चलेगा सुमन जी। सुमन जी, आपको हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा, और वो भी फटाफट, और वो भी सिर्फ हाँ और ना में। तो बताइए क्या आप रेडी हैं? लेकिन कुछ नहीं, आप बस ये बताइए कि आप ये रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए तैयार हैं? ओके। ग्रेट। तो सुमन जी बताइए, क्या ये कैबिन आपका है? हाँ। क्या इस कैबिन में सिर्फ एक ही टेबल है? हाँ। क्या इस कैबिन में सिर्फ 3 चेयर है? हाँ। क्या इस कैबिन में सिर्फ एक ही दरवाजा है? अरे हाँ बाबा। क्या उस पीछे वाली टेबल पे सिर्फ एक ही लैपटॉप है? हाँ। क्या आप हमसे प्यार करती हैं? हाँ हाँ हाँ। यस। ओह, तो जॉनी भी इस प्रिया से प्यार करते है, अब आएगा मजा। देखा सुमन जी, देखा आपने, आखिर आप मान ही गई ना कि आप हमसे प्यार करती हैं। लुक जॉनी, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अरे मत से, आजकल तुम बहुत शैतान हो गए हो। सुमन जी, आप चाहे मैं शैतान कहें या दबंग, टाइगर कहें या पार्टनर, हम चाहे जैसे भी हैं, अब तो हम सिर्फ आपके हैं क्योंकि हम दिल दे चुके सनम। जॉनी, तुम भी ना। सुमन जी, इस प्रेम की तरफ से, बड़े प्रेम से आपके लिए, ओनली फॉर यू। थैंक यू जॉनी, यू आर वेलकम। वन सेक, हेलो। अब अच्छा डैड, मैं अभी आती हूँ। जॉनी, मैं अभी डैड के कैबिन से होके आती हूँ। सुमन जी डोंट वरी, क्योंकि ये लवली सिंह जिंदगी भर आपका इंतजार करेगा। जॉनी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। नेवर। बाय सुमन जी। हे जीनियस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितना बोर हो गई हूँ मैं यहाँ आके, एकदम बोरिंग जगह ये धरती लैंड।
अरे ज्वानी भाई ये क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ पे? आपके फेस को। मेरे फेस को? क्या हुआ मेरे फेस को? जब आप जेल लाइन में थे तब आप कितने हैप्पी हैप्पी थे, यहाँ आकर आप एकदम सैड सैड हो गए हो। अच्छा? आप समझी, आप भी यहाँ के बोर हो गए हो। चलो एक काम करते, हम लोग जेल लाइन वापस चलते हैं। जीनियस, अब हम चाहे सैड लगे या सड़ू लगे, लेकिन हम वापस जिनलैंड बिल्कुल नहीं जा सकते। वो क्या है ना, वो सुमन जी ना, हाँ हाँ हमारी प्रिया जी, हम उनसे ना प्रेम करते हैं, मतलब वही लव करते हैं, तो उनसे दूर जाने की बात तो हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल नहीं आ सकती, नेवर। लव लव लव, यार सब लोग लव के चक्कर में। जॉनी भैया तो जाने से रहे, अब बची है जीनी दीदी। खैर कोई बात नहीं, मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। आधा दिन बीत गया और आधा दिन मेरे पास है, अब मैं क्या करूं जिससे मेरी जीनी दीदी मेरे साथ वापस जिलन चले और मैं वंडर स्टूडेंट ऑफ द ईयर आ गई है। लेकिन क्या करूं? आइडिया। और ये तीन ऑप्शन में से 1 और 2, ये 2 आउट हो गए। इनकी वजह से मेरी जीनी दीदी मेरे साथ वापस जिलैंड नहीं आ रही है, इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करूं? आइडिया। दीदी का जूजू आ रहा है, यही राइट टाइम है, बस चला दे अपना जादू। यस, अब जब जूजू अपना मुंह खोलेंगे जो मैं चाहती हूँ वही बोलेंगे। हाय प्रिया, कैन आई प्लीज 2 मिनट्स, प्लीज कम। या थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? थैंक यू। दरअसल मैं आज आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, अब सबके सामने क्या कहने वाला हूँ मैं? गुरु हो जा शुरू। आज प्रिया एयरलाइंस जिस मुकाम पर है, उस मुकाम पर प्रिया एयरलाइंस को पहुंचाने के पीछे एक ऐसे इंसान का हाथ है जिसने बहुत मेहनत की, और वो इंसान कोई और नहीं हमारी प्रिया है। जी हाँ, मैं अपने और अपने स्टाफ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तालियां। अब चालू रहो दीदी के जूजू, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, प्रिया हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, हमें प्रिया के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब यहां पर काम करने के लिए आते हैं, तफरीक करने के लिए नहीं। वाह 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 जीनियस, तेरा जादू चल गया। जीनियस तू ग्रेट है। समझी मिसेस जीनी खन्ना। अब ये टोलना बंद करो और बैठो और काम करो प्रिया की तरह।
ये जूजू को क्या हो गया? अभी तक तो सिर्फ इस स्वीटी पाई के नाम का गाना गुनगुनाते थे, लेकिन अब तो पूरा का पूरा गाना गा रहे, वो भी सारे ऑफिस के सामने। ये मैं क्या बोल रहा हूँ जीनी को, वो भी सारे ऑफिस के सामने। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि आप सब मेरे इस बात से सहमत हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बैक टू वर्क। थैंक यू प्रिया, मैं भी चलता कैबिन में, मुझे बहुत काम है। या जॉनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। सुना तुमने, विकी ने मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। हाँ सुना तो सही। पता है, जब आप किसी से प्यार करो और वो सबके सामने आपकी इतनी तारीफ करे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन सुमन जी एक बात कहें आपसे, आप इतना खुश मत होइए। मतलब ये कि आपके जो पांडे जी है ना, बड़े चालू इंसान है वो। क्या? हाँ और नहीं तो क्या, अगर पांडे जी आपसे इतना प्यार करते ना, तो वो आपकी तारीफ हर जगह करते, हर समय करते, हर वक्त करते। ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार गलती से तारीफ कर दी, वो भी गलती से। लेकिन सुमन जी आप तो इतनी भोली है, इतनी मासूम है कि आप बस अपने भोलेपन में बह जाती है, और पांडे जी की बातों में भी। कम ऑन जॉनी, ऐसा नहीं है, विकी मुझसे बहुत प्यार करता है। ओ अच्छा, लाइए अपना हाथ दीजिए, दीजिए दीजिए अपना हाथ दीजिए। जॉनी तुम फिर शुरू हो गए। ओ नो नो नो, दीजिए अपना हाथ दीजिए। ओह ये क्या सुमन जी, जिस लड़की से कोई इतना प्यार करता हो, उस लड़की की उंगली में एंगेजमेंट रिंग तक नहीं। अब आप ही सोचिए सुमन जी, अगर पांडे जी आपसे सच में इतना प्यार करते हैं, तो उन्होंने आपको एंगेजमेंट रिंग क्यों नहीं पहनाई? नहीं पहनाई, खैर क्या कर सकते। और हमें देखिए, एक हम है जो आपको अभी इसी वक्त रिंग पहनाने के लिए रेडी है। सुमन जी ये देखिए, प्लीज गिव मी योर हैंड, दीजिए ना सुमन जी। अरे जॉनी भैया, ये क्या कर रहे हो? मेरे सारे प्लान आप खराब कर रहे हो। ये मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं दिखने में छोटी लेकिन हूँ सबसे उस्ताद। जीनस मेरा नाम है, रखना तुम यार। यार ये हो क्या रहा है? मैं अचानक यहाँ क्यों गुस्सा चला आ रहा हूँ? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? स्वीटी पाई, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। अब मैं इसको क्या बताऊं कि मैं खुद नहीं आया हूँ? स्वीटी पाई, देखो जॉनी क्या कह रहा है, कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन अभी तक तुमने मुझे एंगेजमेंट रिंग तक नहीं पहनाई। बेबी मैं तो कुछ बोलो ही मत। सबके सामने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, पर आज तक तुमने हमारी एंगेजमेंट डेट तक फिक्स नहीं की। जीनियस, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। जीनी दीदी के जीजू, हाँ हाँ ये सच है कि मैंने अब तक तुम्हें एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनाई। ये भी सच है कि आज तक मैंने एंगेजमेंट डेट फिक्स नहीं की, लेकिन सच तो ये है, देखो मेरी आंखों में, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ बेबी, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो पर तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करोगे? वाह वाह, नहीं मैं तुमसे एंगेजमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे डायरेक्टली शादी करूंगा। क्या? सच? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना स्वीटी पाई? शादी के मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता बेबी। संडे को शादी करूंगा बेबी। व्हाट? ओह माय गॉड, इतना कम समय बचा और कितनी तैयारियां करनी है मुझे। हम दोनों की शादी है बेबी, तैयारी हम दोनों मिलके करेंगे। बेबी आई लव यू सो मच।
यार मैं अपने हाथों अपना बैंड क्यों बजा रहा हूँ? ये क्या बोल दिया मैंने? शादी, वो भी संडे। मेरी बाय। बेबे। I love you too. I love you too. ये क्या हुआ? हम देखते ही रह गए और ऑन ड्यूटी पांडे जी ने सीटी भी बजा दी। मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं हूँ दिखने में छोटी लेकिन हूँ सबसे स्टार। जीनस मेरा नाम है, रखना तुम यार। साबित, एवरीबॉडी बैक टू वर्क। डॉक्टर ऑफ द, ये क्या हो रहा है? ये लोग पागल हो गए हैं? ये मेरा ऑफिस है या पागल खाना? आई नो दैट, देखिए ना सब कैसे पागल से हुए जा रहे हैं। यही तो सोच सोच के मैं भी पागल हो गया हूँ कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। वैसे डैड, जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सुन के आप भी बिल्कुल ऐसे ही खुशी से पागल हो जाओगे। अच्छा तो प्रिया डिग्री जल्दी से बताओ कि ऐसी क्या खबर है। ओके, लिसन एवरीबॉडी, अगले संडे विकी और मेरी शादी होने वाली है। सच? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.